बैठक में कैबिनेट ने हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी। सरकार हिंदुस्तान जिंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। इस सरकारी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 29.54% है। हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को लगभग 36.500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट के स्टेक्सल के फैसले से हिंदुस्तान जिंक का शेयर 7.28% चढ़ गया। तो बता दें आपको कि पीएम मोदी ने जापान से लौटते ही कैबिनेट की बैठक ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। सरकार इस कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। हिंदुस्तान जिंक में वेदांता की 64.29% हिस्सेदारी है। बता दें कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एसटीआई, पवन हंस, आईडीबीआई बैंक और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के स्ट्रेटेजिक सेल में देरी हो रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 65,000 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य का अनुमान लगाया। केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में अब तक विनिवेश के माध्यम से लगभग 23.575 करोड़ रुपए जुटाए। इसमें से 20.560 करोड़ LIC के IPO से और 3,000 करोड़ सरकारी एक्सप्लोरर ONGC में 15% की बिक्री से है। जी हाँ, आपको बता दें सरकार ने पिछले महीने 29 अप्रैल को हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस में अपनी 51% हिस्सेदारी स्टार 9 मोबिलिटी को बेचने की मंजूरी दी थी, लेकिन कंपनी के बैकग्राउंड पर उठे सवालों के बाद सरकार ने पवन हंस की बिक्री पर रोक लगा दी। इसमें सरकारी कंपनी ONGC की 49% हिस्सेदारी है। सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है। BPCL की रणनीतिक बिक्री को जियोपॉलिटिकल टेंशन के मद्देनज़र निवेशकों की कमी का प्रतिक्रिया के कारण बंद कर दिया गया। STI का विनिवेश भी समय से पीछे चल रहा है। सरकार ने देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 20.560 करोड़ रुपए जुटाए। LIC का IPO बेहद कमज़ोर रहा। 4 मई को यह सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 9 मई को बंद हो गया। 17 मई को इसकी लिस्टिंग 9% डिस्काउंट के साथ हुई थी। इसके लिए इश्यू प्राइस 949 रुपये का था, यह 818 रुपये के स्तर तक फिसली है। 30 मई को कंपनी मार्च तिमाही के लिए नतीजे की घोषणा करेगी।